हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसी के बचे हुए पार्ट के बारे में, जैसे कि सेल एंड लीज बैक, सब लीज वगैरह, वो भी सारी चीज़ें इसी पार्ट में कवर्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ आती है, लेसी इज़ अलाउड एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबल, एक जनरल पॉइंट है शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट से रिलेटेड। तो क्या कहता है, लेसी इज़ अलाउड एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इफ सच लीजेस आर शॉर्ट टर्म लीज या फिर लो वैल्यू एसेट लीज। क्या कहता है कि लेसी, जो लेसी की बुक्स में अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अगर लेसी हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। किस चीज़ से, 116 लगाने से एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ओनली इफ इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लीज और अ लो वैल्यू एसेट। शॉर्ट टर्म लीज कब चेक करोगे, देखो भाई एक कमेंसमेंट में पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म लीज है या लॉन्ग टर्म लीज है। 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म लीज है। तो पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है, अ लीज कंसीडर्ड शॉर्ट टर्म इफ एट कमेंसमेंट डेट लीज टर्म इज अप टू 12 मंथ्स सच लीजेस शुड नॉट हैव परचेज ऑप्शन। देखो दो चीज़ें बोल रहा है, एक तो चीज़ है कि ये 12 महीने से कम का होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, परचेज ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 12 महीने से कम का होना चाहिए, परचेज ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दो ही बातें हैं बस ध्यान में रखनी है आपको। 12 महीने से कम का होना चाहिए और परचेज ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या हो गया कि ये शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज है तो आपको 116 लगाना ही नहीं है, सिंपल है, आपके पास एग्जेम्पशन मिल जाएगी, आपको आपकी मर्जी है, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है। लो वैल्यू एसेट लीज क्या होता है, लो वैल्यू एसेट लीज $5,000 से कम का अगर है ना तो उसको आप लो वैल्यू कहते हो, बट फिर भी पढ़ते हैं कि हम यहाँ पर लिखा क्या है। तो लो वैल्यू एसेट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियस, इट इज $5,000 इन बेसिस फॉर कंक्लूजन गिवन बाय IASB में लिखा हुआ है कि $5,000 की बात इंडियस में नहीं लिखी हुई, ठीक है जी। दिस वैल्यू इज सीन फॉर न्यू एसेट, नए एसेट के लिए देखते हो अब, वो नए एसेट कौन कौन सी हो सकती है, ये बात ना लिखी हुई है इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। जनरली लैपटॉप, फोन, ऑफिस फर्नीचर आर कंसिडर्ड एज लो वैल्यू। लैपटॉप इसको रट्टा लगाना, ये गिवन है आपके इंडेक्स में, यहाँ पर इसको रट्टा लगाना ये चीज़ को, कौन कौन सी, अगर लैपटॉप हो, फोन हो या ऑफिस फर्नीचर की बात करेगा तो आपको ये मान लिया जाएगा कि ये लो वैल्यू एसेट है, ठीक है जी। और लो वैल्यू आप किसके लिए देखते हो, नई एसेट के लिए देखते हो। तो सिंपल सा ये पॉइंट था, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म हो या लो वैल्यू एसेट हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, और ये वाली लिस्ट जो आपको याद कर लेना, लैपटॉप, फोन और ऑफिस फर्नीचर, ये तीन चीज़ें हैं जिसको आप लो वैल्यू एसेट में बोलते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज और रहती है वैसे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी। अच्छा, मान लेते हैं कि भाई 116 नहीं भी लगाना तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर 116 नहीं लगाना तो लीज रेंटल पेड, देखो आप लेसी हो ना, आप पे करोगे एक्सपेंस, आपका लीज रेंटल तो आपकी जेब से जाएगा ना, तो जो भी आप पे करोगे उसको आप पी एंड एल में दिखाओगे। नो नीड टू रिकॉर्ड राउ एसेट और लीज लाइबिलिटी, राउ एसेट और लीज लाइबिलिटी दिखाने की यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। जैसे अभी तक आप अकाउंटिंग करते आते थे लेसी में तो वो नहीं करना, सिर्फ पी एंड एल में दिखाना है। अब आप एग्जेम्पशन इज ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू आइडेंटिफाई लीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम समझते हैं एक लीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहली चीज आती है, अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स लीज इफ इट हैज़ आइडेंटिफाइड एसेट, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज इफ इट हैज़ आइडेंटिफाइड एसेट, अगर उसमें कोई आइडेंटिफाइड एसेट है, एंड विदाउट सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट विद लेसर, ठीक है। अभी पहले इसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं, हालांकि दो पॉइंट हैं इसमें, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है आइडेंटिफाइड एसेट और SSR क्या होता है। तो क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स लीज, एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज है इफ इट हैज आइडेंटिफाइड एसेट। अब आइडेंटिफाइड एसेट क्या होती है, अगर देखें तो दीज आर एसेट्स विच आर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर टू बी यूज्ड बाय लेसी, कैन बी मार्क्ड एक्सप्लिसिटली और कैन बी इम्प्लिसिट एसेट। लेसर डज नॉट हैव एनी अदर सिमिलर एसेट, हेंस इट वुड बी इम्प्लिसिट एसेट। क्या कहना चाहता है, कह रहा है दोबारा से देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज इफ इट हैज आइडेंटिफाइड एसेट, ठीक है जी। यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि कोई आइडेंटिफाइड एसेट होनी चाहिए, और आइडेंटिफाइड एसेट के बारे में क्या लिखता है, दीज आर एसेट्स, अच्छा एसेट होती है, ओके, विच आर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वो याद है डेरिवेटिव में हम सट्टा लगाते थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, देखा था, और कहते थे कि कुछ ना कुछ अंडरलाइंग होना चाहिए, किस बेस पे सट्टा लगा रहे हो, मैच के रन पे अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है, मैच का स्कोर हो सकता है, स्टॉक मार्केट पे कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ पर सट्टा लगा सकते हो, बट कुछ अंडरलाइंग होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आगे कहता है, दीज आर टू बी यूज्ड बाय लेसी, अच्छा एसेट होना चाहिए, एक तो पहले कह रहा है कि एसेट होना चाहिए, और वो एसेट कौन यूज़ करेगा, लेसी यूज़ करेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, बट ठीक है लिख दिया इसने। और कैन बी मार्क्ड एक्सप्लिसिटली, पहली चीज़ तो एक्सप्लिसिटली मार्क्ड करेगा कि जैसे ये है,
ये एक्सप्लिसिटली मैं मार्क कर दूंगा कि ये वाला एसेट है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है, कैसे? लेसर डज नॉट हैव एनी अदर सिमिलर एसेट। एक बंदा लेसर है और एक बंदा लेसी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेसी जो है ना उस एसेट को यूज़ कर सके, और वाली एसेट या तो पहले मार्क्ड एक्सप्लिसिटली हो, बता दे वो कि यही वाली एसेट है। और दूसरी चीज़ उसने एक्सप्लिसिटली नहीं बताई, देखो एक्सप्लिसिटली तब बताएगा वो जब उसके पास जो लेसर है उसके पास कई सारी एसेट्स हैं, उसमें से कोई एक चीज़ अगर वो लेसी को दे रहा है तो उसको एक्सप्लिसिटली मार्क करनी पड़ेगी। इम्प्लिसिट की बात करें तो इसमें क्या कहता है, लेसर डज नॉट हैव एनी अदर सिमिलर एसेट। एक पर्टिकुलर टाइप की एसेट है, उसके जैसी लेसर के पास और कोई एसेट ही नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप की एसेट है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो कह रहा है कि एक्सप्लिसिटली मार्क कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हाँ कर दिया एक्सप्लिसिटली मार्क की वाली एसेट है और वो लेसी यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ क्या कहता है, इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट कब होगा? इम्प्लिसिट का केस तब हो सकता है कि लेसर के पास उस जैसी और कोई एसेट है ही नहीं, ठीक है। लेसर डज नॉट हैव एनी अदर सिमिलर एसेट, उस जैसी सिमिलर एसेट नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। वो स्पेसिफिकली वही एसेट होनी चाहिए, उस जैसी सिमिलर एसेट नहीं होनी चाहिए, हैंस इट वुड बी इम्प्लिसिट एसेट। सिंपल सी चीज थी, दोबारा देखते हैं फ्लो क्या था। अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज इफ इट हैज आइडेंटिफाइड एसेट, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। इफ इट हैज आइडेंटिफाइड एसेट, यहाँ तक तो सिंपल लगता है। अब आइडेंटिफाइड एसेट क्या होता है, दीज आर द एसेट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखते हो कि ये एसेट है, ठीक है, विच आर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दीज आर टू बी यूज बाय लेसी, लेसी यूज करेगा, या तो एक्सप्लिसिटली मार्क्ड हो सकती है या तो इम्प्लिसिट एसेट हो सकती है। इम्प्लिसिट तब होती है जब लेसर डज नॉट हैव एनी अदर सिमिलर एसेट, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट था ये वाला। तो अब आते हैं हम दूसरे पे, कह रहा है विदाउट सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स विद लेसर। लेसर जो लीज पे दे रहा है चीज को, उसके पास सब्सटेंटिव एसएसआर बोलेंगे हम इसको, ठीक है, प्यार से इसको बोलेंगे हम एसएसआर। तो एसएसआर नहीं होना चाहिए किसके पास, लेसर के पास एसएसआर नहीं होना चाहिए। देखो नाम से भी समझ आ रहा है, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, सब्स्टिट्यूट करने का। सब्स्टिट्यूट मतलब तो आपको पता ही है कि उस जो पर्टिकुलर एसेट है, एक एसेट लीज पर दी है आपने अगर किसी को, तो आप मान लो लेसर हो, तो लेसर के पास राइट नहीं होना चाहिए उस एसेट को बदलने का इन फ्यूचर, कि मैंने आपको एसेट वाली लीज पर दी है, मैं चाहूँ तो इसको फ्यूचर में बदल सकता हूँ, ठीक है। ये वाला राइट मेरे पास नहीं होना चाहिए लेसर के पास। देखो लीज पे तो चीज़ दे दी है, फ्यूचर में आ कहता हूँ चलो ये वाला कैलकुलेटर आप मुझे दे दो, दूसरे वाला रख लो, ठीक है। ये वाला राइट नहीं होना चाहिए लेसर के पास। अब रीड भी कर लेते हैं एक बार क्या कहता है। लेसर इज कंसिडर टू हैव सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। लेसर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट एसेट थ्रू आउट पीरियड ऑफ यूज। क्या कहता है? लेसर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट एसेट थ्रू आउट पीरियड ऑफ यूज, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एंड लेसर कैन गेन इकोनॉमिकली फ्रॉम सब सब्स्टिट्यूशन। तो दो चीज़ें कह रहा है, कह रहा है लेसर के पास तो प्रैक्टिकल एसएसआर कब होता है, एसएसआर का मीनिंग बता रहा है, ठीक है। तो एसएसआर कब होता है किसी के पास, कि जब एक लेसर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी होती है कि वो उस एसेट को चेंज करता है, जब थ्रू आउट पीरियड ऑफ यूज उस एसेट को चेंज कर सकता है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया ही आपको। और दूसरा कहता है लेसर क्यों चेंज करेगा, उसको क्या फायदा उस एसेट को चेंज करने से, उसको कोई इकोनॉमिक गेन होगा तभी तो चेंज कर रहा हो, है ना। तो लेसर कैन गेन इकोनॉमिकली फ्रॉम सच सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो बात कह रहे कि कब एसएसआर सेटिस्फाई हो जाता है, और यहां पर क्या लिखा है, एसएसआर नहीं होना चाहिए लेसर के साथ, मतलब याली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एक पार्ट जिसमें कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज इफ इट हैज आइडेंटिफाइड एसेट और विदाउट सब्स्टिट्यूशन राइट विद लेसर, ठीक है। एक तो बात वाली हो गई, अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर। लेकिन दूसरा पॉइंट आने से पहले एक बात और कर लेते हैं, छोटे छोटे दो नोट हैं यहाँ पर, छोटे छोटे हैं। देखो क्या कहते हैं, लेसर डज नॉट हैव एसएसआर इफ रिप्लेसमेंट इज फॉर, मतलब क्या है इसका, लेसर के पास हमने बोला ना कि एसएसआर नहीं होना चाहिए, ये यही कह रहा है सेम चीज कि लेसर के पास ये नहीं माना जाएगा कि उसके पास एसएसआर है अगर इफ रिप्लेसमेंट इज फॉर रिपेयर और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एसेट। अरे कैलकुलेटर लिया था आपसे मैंने, ये खराब हो गया, अब बदल के दो, ठीक है, अब लेसर बदल के देगा इसको, इसको हम सब एसएसआर नहीं बोलेंगे, एसएसआर की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नोट में, ठीक है। अगर कोई रिपेयर या पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एसेट है उसकी वजह से रिप्लेसमेंट हो रही है ना, तो आप नहीं बोलोगे कि वो एसएसआर उसके पास एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा पॉइंट है वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सिमिलरली इफ लेसर कैन रिप्लेस एसेट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज नॉट एसएसआर।
कह रहे अगर लेसर जो है वो रिप्लेस कर सकता है एसेट, मतलब ऐसा कुछ एसेट होगा जिसको रिप्लेस करना पड़ता होगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, उसकी लाइफ उतनी होती होगी या तो जो भी रीज़न होगा आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो भी आप उसको नहीं कहोगे कि इसके पास एसएसआर है। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखना, सिंपल से पॉइंट है वैसे तो, कि भाई रिपेयर और पुअर परफॉर्मेंस वाली बात होती है और या फिर रिप्लेस करता है वो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, हर एक साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये वाली बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो हम मानेंगे कि एसएसआर नहीं है तो हमारी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कब सेटिस्फाई होती है? जब एसएसआर नहीं होता। तो लीज अभी तो चल ही रही है, वैलिड है, वैलिड कब तक है? जब तक ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या कहता है यहाँ पर, आइए पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड कन्वे राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू कस्टमर। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट शुड कन्वे राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू द कस्टमर। देखो अभी हमने अंडरलाइंग एसेट को आइडेंटिफाई करा और यहाँ पर वही बात कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपका वो कन्वे करे कि जो राइट टू कंट्रोल है, जो उस एसेट अंडरलाइंग एसेट पर राइट टू कंट्रोल है, वो किसका राइट टू कंट्रोल होना चाहिए? कस्टमर के पास होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर के पास होना चाहिए राइट टू कंट्रोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब ये वाला इसके भी नीचे दो पॉइंट है, पहला है राइट टू कंट्रोल का मतलब समझा रखा है और दूसरा यूज़ ऑफ एसेट का मतलब समझा रखा है। तो पहले हम समझते हैं राइट टू कंट्रोल, राइट टू कंट्रोल के बारे में कि राइट टू कंट्रोल क्या होता है। तो ये पूरा एक फ्लो में चल रहा है, पहले हमने एसेट को आइडेंटिफाई करा, अब देखते हैं राइट ऑफ कंट्रोल, राइट टू कंट्रोल कैसे आता है कस्टमर के पास। कस्टमर के पास होना चाहिए राइट टू कंट्रोल, बात करते हैं राइट टू कंट्रोल होता क्या है, है ना। तो कस्टमर शुड बी एबल टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम आइडेंटिफाइड एसेट। तो पहली बात तो ये कहता है, अगर राइट टू कंट्रोल की मैं बात करूं, उसने बोला है कॉन्ट्रैक्ट शुड कन्वे राइट टू कंट्रोल ऑफ अंडर ऑन द यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू कस्टमर। अब राइट टू कंट्रोल क्या होता है कि कस्टमर जो है ना वो लगभग सारे बेनिफिट ले सके उस एसेट से, कोई दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सिर्फ कस्टमर का ही हिस्सा होना चाहिए इसमें, सारे के लगभग सारे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके वो उस एसेट से। कैसे? उसको यूज़ करके, उसको सब लीज करके, उसको होल्ड करके, या फिर उसको आउटपुट उससे जनरेट करके, कैसे भी कुछ भी करे वो, है ना, बट उस कस्टमर ही उससे सारे बेनिफिट ले, कोई दूसरा ना होना चाहिए उसमें, लगभग सारे बेनिफिट ले सके। और क्या कहता है, एक और बात कहता है, कस्टमर शुड हैव राइट टू डायरेक्ट। अब राइट टू कंट्रोल पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग है, ठीक है, राइट टू कंट्रोल का मीनिंग पढ़ रहे हैं, पहली बात तो सारे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके, और दूसरा कहता है कस्टमर के पास राइट टू डायरेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, राइट टू डायरेक्ट क्या होता है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, उसको हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, कैसे और कहां पर यूज़ करना है वो भी कस्टमर के हाथ में होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना है और कहां पर यूज़ करना है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, ये इस चीज़ का भी कंट्रोल जो है वो कस्टमर के पास होना चाहिए। आइए रीड भी करते हैं इसको एक बार। कस्टमर शुड हैव राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एसेट। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं समझ आया होगा, आगे देखते हैं। इट मीन्स कस्टमर शुड हैव पावर, पावर ऑन हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस फॉर यूजिंग द एसेट। मतलब क्या है राइट टू डायरेक्ट का, मतलब यहाँ समझा रखा है, पहली बात कह रहा था कि इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके, और दूसरा क्या कह रहा था कि राइट टू डायरेक्ट होना चाहिए कस्टमर के पास। राइट टू डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि कस्टमर के पास पावर होनी चाहिए, वो डिसाइड कर सके हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, उसकी मर्जी ना कि वो कहाँ, कैसे और कहाँ पर यूज़ करना चाहता है एसेट को। ठीक है, तो ये दो बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ क्या थी, राइट टू कंट्रोल में इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके, और दूसरा राइट टू डायरेक्ट होना चाहिए। राइट टू डायरेक्ट मतलब कस्टमर के पास पावर होनी चाहिए कि वो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, उसको यूज़ कैसे, कहाँ, कैसे और कहाँ पर यूज़ करना चाहता है वो उसकी मर्जी है। इसमें एक दो पॉइंट और आते हैं, छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट है, सिर्फ पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं। समटाइम्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमाइंड, समटाइम्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमाइंड, इन सच केसेस सप्लायर शुड नॉट बी एबल टू चेंज इट। देखो, एक कस्टमर है, एक सप्लायर है, अब लेसर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कस्टमर और जो सप्लायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि समटाइम्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमाइंड, कैसे और कहाँ पर यूज करेगा वो एसेट कस्टमर, वो प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, अब प्री डिटरमाइंड है, पहले से बता रखा है कस्टमर ने, तो क्या है, इन सच केसेस सप्लायर शुड नॉट बी एबल टू चेंज इट, सप्लायर उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट था वाला याद रखने का। इसमें एक पॉइंट और आता है, आप पीछे लिखा हुआ है, यहां से देख लेते हैं। तो क्या कहता है, समटाइम्स कस्टमर डिजाइन एसेट्स एंड डिसाइड ऑन डिजाइनिंग हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, दीज आर आल्सो कंसीडर्ड राइट टू डायरेक्ट। राइट टू डायरेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं हम, स्टार्ट तो हमने राइट टू डायरेक्ट ही करा था, उसमें हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस की बात आई थी, उसके बाद एक और पॉइंट आया था जो कस्टमर सप्लायर का इन्होंने बना के बोल दिया था कि हाँ प्री डिटरमाइंड है, तो सप्लायर जो है वो चेंज नहीं कर सकता उसको।
को, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहता है, समटाइम्स कस्टमर डिजाइन एसेट, समटाइम्स कस्टमर जो है डिजाइन करता है एसेट को एंड डिसाइड्स ऑन डिजाइनिंग हाउ एंड फॉरवर्ड पर्पस। हाउ एंड फॉरवर्ड पर्पस का मतलब क्या होता है, कैसे और कहां पर, कैसे और कहां पर, ठीक है। और तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं है, यहां पर कह रहा है कभी कभी कस्टमर जो है ना डिजाइन करता है एसेट को, ठीक है, करता डिजाइन कर देता है, तो अब क्या है, अब वो ही देखेगा कहां और उसको कैसे यूज करना है, कर ले यूज जहां पर भी यूज करना है। तो ये राइट टू डायरेक्ट कहते हैं इसको, कि कस्टमर जो है कभी कभी, एक तो है कि कस्टमर प्री डिटरमाइन कर सकता है, प्री डिफाइन कर सकता है ना, यहां पर लिखा था कि प्री डिटरमाइंड हो सकता है। दूसरा कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर डिजाइन भी कर सकता है, अगर कस्टमर डिजाइन करता है तो उसके पास ये वाला राइट भी होना चाहिए, हाउ एंड फॉर व्हाट पर वो यूज करे, तो राइट टू डायरेक्ट इसको भी कंसीडर करोगे आप, ठीक है। छोटे छोटे दो थ्योरेटिकल पॉइंट थे नीचे, ये याद रखने के हैं, ठीक है, आंसर में आएगा तो ये लिखने पड़ेंगे आपको, बाकी मेन बात तो ये ऊपर वाली थी। अब इसमें एक चीज और आती है, यहां पर ऊपर कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट शुड कन्वे राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू कस्टमर, है ना, राइट टू कंट्रोल तो समझ गए हम। अब कहता है यूज ऑफ एसेट के बारे में भी सुन लो, कहता है यूज कैन बी विद इन स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विद इन स्कोप होना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना आपको इसको। लेसर में होल्ड प्रोटेक्टिव राइट ऑन यूज ऑफ एसेट लाइक कैन नॉट ओवर यूज, लेसर के पास ये वाले राइट रह सकते हैं, ठीक है। अब लेसर पे आ गए वापिस, लेसर में होल्ड प्रोटेक्टिव राइट ऑन यूज ऑफ एसेट लाइक कैन नॉट ओवर यूज, कैन नॉट गो बियॉन्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। भाई जैसे आपने लीज पर मशीन रियल लीज पर आपने रेंट कार ले रखी है, तो आप कहते हो ना अरे इसको तो जैसे भी चलाएंगे हम, इस पर भी सीमेंट लेके जाएंगे, मिट्टी लेके जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए भाई, ओवर यूज नहीं होना चाहिए, और कैन नॉट गो बियॉन्ड द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, उसमें लिमिट है, मशीन 10 घंटे चला सकते हो। आप तो कह रहे हो नहीं जी मैं तो 24 घंटे चलाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवर यूज नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा चार्ट कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में एक लीज कैसे आइडेंटिफाई होती है। सबसे पहले आप एसेट को आइडेंटिफाई करते हो इस तरीके से, उसके बाद आप राइट टू कंट्रोल चेक करते हो, राइट टू कंट्रोल में वाली कंडीशन है सारे इकोनॉमिक बेनिफिट वो ले सके, और साथ साथ उसके पास राइट टू डायरेक्ट भी होना चाहिए, और यूज़ जो है वो ज़्यादा नहीं करना आप। एक पॉइंट और है छोटा सा नोट में, कहता है फॉर डाटा ट्रांसफर थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लेसी हैज आइडेंटिफाइड एसेट इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज यूज ऑफ सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऑफ फाइबर। कह रहा है अगर डाटा ट्रांसफर होता है, एक केबल है जिससे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, लेसी हैज आइडेंटिफाइड एसेट, अब दो लोग होते हैं, एक लेसर और एक लेसी होता है ना। अब यहाँ पर हमने वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि लेसी जो है उसके पास लेसी यूज़ कर सकता है उस एसेट को, आइडेंटिफाइड एसेट है जिसको लेसी यूज़ कर पा रहा है। तो अगर इस केस में हम बात करें कि भाई एक केबल है जहाँ पर डाटा ट्रांसफर होता है, इसमें भी आप कहोगे कि आइडेंटिफाइड एसेट है ये, भाई एक केबल है, कंपनी ने केबल है, कंपनी की केबल है जहाँ से कंपनी डाटा, कंपनी ने उसको दे रखी है लेसी को पूरी, कि भाई इसमें तो इतना डाटा ट्रांसफर कर सकता है, तेरे लिए स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है। तो लेसी हैज़ आइडेंटिफाइड एसेट इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज, तभी क्या हो गया, अब इसमें आइडेंटिफाइड एसेट है। देखो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज ओनली इफ इट इज आइडेंटिफाइड एसेट, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर ऐसा वाला कोई केस है ना डाटा ट्रांसफर होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, तो कहते हैं लेसी हैज आइडेंटिफाइड एसेट इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज यूज ऑफ सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऑफ फाइबर। अगर वहाँ पर एक पर्टिकुलर कैपेसिटी लिखी हुई है कि इतना इतना आप डाटा यूज कर सकते हो इस फाइबर केबल का, ठीक है, तो आप कहोगे कि आइडेंटिफाइड एसेट है, ठीक है। अगर आइडेंटिफाइड एसेट है यहाँ पर तो आप आगे बढ़ोगे फिर, ठीक है, आइडेंटिफाइड एसेट बचल गया, आप SSR चेक करोगे फिर आपके बाकी के पॉइंट जो राइट टू कंट्रोल चेक करना है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं, एक आध दो एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो भी मैंने एग्जांपल लिया था वही वाला यहाँ पर सर ने भी बताया था कि एक डेडिकेटेड केबल है जिसमें 1000 MB जो है डाटा है, तो उसमें आपके लिए दिल्ली से हैदराबाद में बिछी हुई है जो सर के जो एल्टाइन है वहाँ पर यूज़ होती है। सब्सटेंशियल कैपेसिटी आपको स्पेसिफिकली रिजर्वड है आपके लिए, है ना, 1000 MB आपने खरीद रखे हैं वहाँ से, तो ओनली फॉर AVPL है, तो इसको आपका क्या होगा, आइडेंटिफाइड एसेट है, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। और एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल है। अब पेप्सी को कंपनी है, ठीक है, अब इनको सप्लाई करनी होती है पेप्सी की, इनको डेली के 50 ट्रक चाहिए होते हैं, तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक कॉन्टैक्ट कर लिया कि आप हमें डेली के 50 ट्रक दे देना, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्या है कि इनके पास तो 1000 ट्रक पड़े हुए हैं, है ना, तो ये जो है इसको डेली के 50 ट्रक भेज देती है। क्या हर बार सेम ट्रक भेजती है? अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बताओ मेरे को कि भाई लीज है कि नहीं है, तो आ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज इफ इट इज आइडेंटिफाइड एसेट, और कब कहते हो, या तो वो मार्क्ड एक्सप्लिसिटली हो या फिर वो इम्प्लिसिट हो।
लेसर डज नॉट हैव अदर सिमिलर एसेट, ये वाला डज नॉट हैव है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लग जाता है कि इसके पास तो काफ़ी सारी सिमिलर एसेट्स हैं, 1000 ट्रक है उसमें से कोई भी 50 भेज देता है हर बार। चलो बट एक बार के लिए मान भी लें कि पहला जो पॉइंट है आपका वो सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पर हाँ चलो आइडेंटिफाइड एसेट है, मान लेते हैं। तो SSR पे आओगे आप, SSR चेक करोगे कि भाई प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके पास क्या है कि भाई प्रैक्टिकल एबिलिटी है क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास? तो यहाँ पर एक क्या कहना चाह रहा है कि देखो अगर डिफरेंट भेज रहा है हर बार तो बात ही खत्म, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो सकती है। लेकिन अगर हर बार सेम भेज रहा है तो सेम ऑलवेज है तो देन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन जो आपके वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब इसमें क्या SSR की बात करते हैं, अगर हम SSR की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो SSR के लिए आपको चेक करना होता है लेसर एज द प्रैक्टिकल एबिलिटी, तो ये दो पॉइंट चेक करने, अगर ये दो पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कहेगा वो तो क्या पता। तो यहाँ पर अगर ये दोनों पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए तभी आप कहोगे विदाउट SSR है, तो आइडेंटिफाइड एसेट को आप आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, SSR नहीं होना चाहिए तभी आप ये चीज़ कह पाओगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, आपको आगे क्वेश्चंस भी दिखेंगे उसमें से एक और बेटर अच्छी सी क्लियर एडिट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक नई बात, अभी जो हमने करा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अब ये वाला पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग लीज, sometimes contract containing lease has non-lease component also, these components should be either ignored or separate components from non-lease। क्या कहता है कि कभी कभी एक लीज में ना components भी हो सकते हैं जो कि non-lease component होते हैं, है ना। तो sometimes contracts containing lease has non-lease component also, तो इन कॉम्पोनेंट को या तो आप अलग कर दो, ठीक है, लीज पे जो है आपका वो अलग इंडेक्स 116 लगाओगे और दूसरे कॉम्पोनेंट पे अलग इंडेक्स लगाओगे, या तो फिर इसको इग्नोर कर दो कॉम्पोनेंट को और जितना अगर लीज का अमाउंट है टोटल आप उसको 116 में ट्रीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल लूँ अगर मैं आपका यहाँ पर छोटा सा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा बट बता दो, कुछ है नहीं खास इसमें, सर ने एक CCD वाली मशीन लगवाई, कॉफ़ी मशीन लगवाई अपने AVPL में, ठीक है, तो उसके सर को देने पड़े 2000 रुपये पर मंथ, है ना। अब क्या है कि एक तो मशीन है और ऊपर और दूसरी चीज़ क्या डलती है इसमें, टी बैग्स कॉफ़ी बैग्स वगैरह अंदर मसाले जो सारे डालने होते हैं वो अलग से डालने पड़ते हैं पैकेट्स में खरीद के, है ना। अब क्या है कि अगर सर सिर्फ मशीन लेते तो उनको पड़ती 1500 रुपये की, और अगर सिर्फ ये जो सामान लेते तो पड़ता 700 रुपये का, अगर दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो पड़ता है 2000 रुपये का, है ना। तो ये वही कह रहा है कि आपने 2000 रुपये में डील डन कर दी कि ठीक है 2000 रुपये ले लेना और ये वाला जो है मशीन और कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ें आप ही अरेंज करके दोगे, है ना। अब क्या है 2000 तो दे दिए इन्होंने, बट इसमें दो चीज़ें हैं, एक देखो जो मशीन ली है वो चीज़ अलग है और जो सामान ली है वो चीज़ अलग है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम पढ़ते हैं यहाँ से। तो क्या कहता है, कभी कभी एक लीज में लीज और नॉन लीज कंपोनेंट दोनों हो सकते हैं, तो करना क्या है आपको कि दीज कंपोनेंट शुड बी इधर इग्नोर्ड, या तो देखो इग्नोर ही कर दो कोई दिक्कत ही नहीं है, इग्नोर कर दोगे कंपोनेंट को, ये जो नीचे 700 रुपये का था मसाला वगैरह सारा, है ना, इसको इग्नोर कर दोगे तो क्या है कुछ भी नहीं है, 2000 को आप लीज का आपका एग्रीमेंट जो है 2000 रुपये का आपका मान लोगे कि ये राहू एसेट है वाली एंट्री कर दोगे आप, राहू एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इग्नोर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे आप और सारा जैसे ट्रीटमेंट करते हैं वही ट्रीटमेंट करना है, कोई झंझट ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको सेपरेट करते हो, सेपरेट कंपोनेंट कर देते हो जो लीज का नॉन लीज दोनों को अलग अलग कर देते हो, तो क्या है लीज वाले पे 116 लगाओगे और नॉन लीज वाले पे जो भी उस पे इंडेक्स एप्लीकेबल होगा वो वाला इंडेक्स लगाओगे। तो फॉर दिस पर्पस लीज रेंट शुड बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस। अब स्टैंड अलोन प्राइसेस के हिसाब से इसको एलोकेट करना है, क्या कहना चाहता है, यहाँ पर 2000 रुपये में आपको डील डन कर दिया आपने कि भाई ये 2000 रुपये में डील डन है, हाँ अब इसको सेपरेट करना है आपको कि भाई लीज वाला अलग मानूंगा नॉन लीज वाला अलग मानूंगा, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसको, इस 2000 को आप 1500 और 700 में बांट दोगे, 2000 इंटू 1500 बाय 2200, 2000 इंटू 700 बाय 2200 लीज वाला कंपोनेंट आ जाएगा, नॉन लीज वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो लीज वाले पे 116 लगाऊंगा और नॉन लीज वाले पे अदर इंडेक्स लगाऊंगा, ठीक है, ये वाली बात कह रहा था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि अगर एडमिन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, सेलिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है,
एडमिन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, सेलिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इसको आप अलग से कंपोनेंट ट्रीट नहीं करेंगे, ये उसी का ही पार्ट माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हो, लीज रेंट है आपका 2000 रुपये, जिसमें मशीनरी है 1800 की, एडमिन कॉस्ट है 200 रुपये का, अलग अलग से नहीं मानना एडमिन कॉस्ट को, उसमें ऐड करके 2000 रुपये का एक ही मानोगे, इसको अलग नहीं करना होता आपको, ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी ये। तो ये एक पॉइंट था, ये आपका कवर हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सब लीज। क्या होता है सब लीज? तो ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट इज कॉल्ड हेड लीज, जो आपका एक लेसर और लेसी के बीच में ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट हुआ होता है उसको आप कहते हो हेड लीज, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिलेवेंट, ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कंपेयर लीज टर्म ऑफ हेड लीज विद सब लीज। तो हेड लीज हो गया और एक हो गया सब लीज, ठीक है। मेन जो लीज होती है आपकी हेड लीज होती है, अब जो लेसी जो है वो आगे एक और बंदे को दे देता है तो वो सब लीज हो जाती है। इन दैट केस जो लेसी लेसर बन जाता है और किसी और बंदे को दे देता है वो बंदा लेसी बन जाता है। अभी एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। तो क्या कहता है, कंपेयर लीज टर्म ऑफ हेड लीज विद सब लीज। इफ सब्सटेंशियली सब लीज पीरियड इज इक्वल टू हेड लीज पीरियड, देन सब लीज इज अकाउंटेड ऑन सेम क्लासिफिकेशन हैज हेड लीज। अगर सब लीज का और हेड लीज का, हेड लीज है और एक सब लीज है, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। लेसर होता है वो लेसी को मशीनरी देता है रेंट पर, ये होती है हेड लीज। अब लेसी जो है ना आगे देता है मशीनरी रेंट पे, इसको आप कहते हो सब लीज या टेल लीज भी कह सकते हो, टेल समझ आता है पूछ, ठीक है। तो ये होता है लेसी लेसर बन जाता है इस केस में। तो ये कह रहा है कि जो इस वाला हेड लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लीज टर्म रही होगी, और एक सब लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी लीज टर्म रही होगी। तो अगर ये दोनों सब्सटेंशियली सेम है, अगर ये दोनों सब्सटेंशियली सेम है, यही तो कह रहा है, सब्सटेंशियली अगर इक्वल है तो क्या करोगे आप, देन सब लीज इज अकाउंटेड ऑन सेम क्लासिफिकेशन एज हेड लीज। और बेटर अंडरस्टैंडिंग में आपको यहाँ से एक चार्ट दिखाता हूँ, आपको और अच्छे लगेगा। यहाँ से एक लेसर है लेसी है, लेसर ने ना लेसी को मशीन दी है, ठीक है, हेड लीज है। अब लेसर और लेसी, अब लेसर का तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर कि नॉर्मल इसने जो भी ट्रीटमेंट करी होगी, OLFL दोनों इसके पास ऑप्शन रहते हैं लेसर की अपनी बुक में ट्रीटमेंट करने के, बट हम भी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेसी को वो हमने दिया है ना, लेसी तो देखो एग्जेम्पशन भी अवेल कर सकता है अगर लो वैल्यू एसेट है, और अगर इसका दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई इस शॉर्ट टर्म है ये, है ना, एग्जेम्पशन भी अवेल कर सकता है, या फिर ये दूसरी कंडीशन 116 लगाएगा तो राउ एसेट एसेट भी बुक करेगा, लाइबिलिटी भी बुक करेगा, है ना। लेसी एसेट भी बुक कर रहे हैं, लाइबिलिटी भी बुक कर रहे हैं, अब दोनों चीज़ें बुक कर दी लेसी ने। अब ये लेसी जो है आगे दे देता है एसेट मशीन को, आगे रेंट पे दे देता है, तो अब ये बन जाता है लेसर। अब ये OL मानेगा या FL मानेगा, बात ये आती है। अब इस भाई ने एसेट भी बुक करी है, लाइबिलिटी भी बुक कर रखी है, ये ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये OL मान के अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इसको, कि FL मान के अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। देखो OL FL के लिए वाले पॉइंट तो आप 5 पॉइंट हमने पढ़े थे, यहाँ पर अलग से कुछ बातें कही गई हैं, क्योंकि ये सब लीज है ना, इस केस में अलग बातें कही गई हैं। तो क्या कहता है कि जो लेसर है, अब आप इस बात को समझिए कि मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। यहाँ पर इसने लेसी था ये, ठीक है, तो इसने एसेट बुक कर दी इसने अपनी बुक में, और लाइबिलिटी भी बुक कर दी। अब लेसर जब बना, अब ये जानना क्यों जरूरी है कि ये OL लगाएगा या FL मानेगा। तो OL, देखो OL की ट्रीटमेंट क्या थी, एज अ लेसर अगर मैं अब मेरी बुक में अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो जो भी इनकम आ रही है मैं P&L में डालूंगा सीधा, बात खत्म, ठीक है, ये ट्रीटमेंट थी। अगर मैं FL मानता हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल लीज मानता हूँ, तो जो भी आपका पहले तो रिवेन्यू बुक करोगे, स्टेप वन में रिवेन्यू बुक करोगे, स्टेप टू में कॉस्ट भी दिखाओगे। स्टेप वन में रिवेन्यू बुक कर लोगे, लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू, स्टेप टू में आप दिखाओगे कॉस्ट इसकी। कॉस्ट कैसे दिखाते थे आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट टू आप लिखते थे एसेट, टू में एसेट लिखते थे जो एसेट आपका जा रहा है। यहाँ पर एसेट कौन सा चला जाएगा आपका, राऊ एसेट को टू में लिखना पड़ेगा आपका, जो यहाँ आपने डेबिट कर रखा है फाइनेंशियल लीज मानोगे तो आपको यहाँ पर टू राऊ एसेट करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने एंट्री किसकी बुक में करनी है, इस बंदे की बुक में करनी है, एज अ लेसी और लेसर, है ना। तो अगर बुक में क्वेश्चन में कहता है सब लीज है, बताओ लेसर में क्या एंट्री करोगे, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो नॉर्मल 116 लगाना है। यहाँ पर है 100 सारा, कह रहा लेसर में बताओ क्या एंट्री करोगे क्या? तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंशियल लीज है, मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल लीज बोलेगा वो, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में तो कुछ है ही नहीं। ऑपरेटिंग लीज मानोगे तो आपको उसमें इनकम ही दिखाना है P&L में, लेकिन फाइनेंशियल लीज मानोगे तो आपको इसको पहले हटाना पड़ेगा, डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस राउ एसेट को, और यहाँ पर आपको लीज रिसीवेबल वाली एंट्री मारनी पड़ेगी, रिवेन्यू वाली जो एंट्री रहती है आपकी, लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू होता है ना, तो यहाँ पर आपको क्या राउ एसेट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। तो देखेंगे वाला क्वेश्चन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं वाली एंट्रीज, बट इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आनी चाहिए। अब क्या करता है, कह रहा कंपेयर करो लीज टर्म हेड लीज और सब लीज का, जो एक हेड लीज है एक सब लीज है, इन दोनों का लीज टर्म जो है कंपेयर कर लो, अगर डिफरेंट है इन दोनों का डिफरेंट है तो ये जो लेसर है, लेसर है OL मानेगा
ओएल मानेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंट है ना, अगर ये 10 साल था ये 5 ही साल है तो ये ओएल मानेगा, जो भी इनकम आ रही है इसको पीएनएल में दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 10 साल था ये भी 10 साल है तो इसको एफएल मानना पड़ेगा, सेम है तो क्या मानना पड़ेगा, एफएल मानना पड़ेगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। एक तो ये हमने नीचे पढ़ लिया था, इसके दो तीन पॉइंट और हैं वो भी देख लेते हैं। क्या कहता है, कहता है हेड लीज में आपने एग्जेम्पशन अवेल करी थी, हेड लीज में आप लेसी थे ना, यहाँ पर था हेड लीज में आप लेसी थे और आपने एग्जेम्पशन अवेल करी थी, तो जो सब लीज है उसमें क्या करोगे आप, अगर आपने एग्जेम्पशन अवेल करी थी दैट मीन्स एग्जेम्पशन आप तभी अवेल कर सकते हो जब ये लो वैल्यू एसेट हो, है ना, लो वैल्यू एसेट है या फिर शॉर्ट टर्म है, तो आपने तभी एग्जेम्पशन अवेल करी होगी। तो जो सब लीज है उसमें आप क्या करोगे, आप ओएल को मान के ट्रीटमेंट करोगे, मतलब सारा जो भी इनकम है आपको पी एंड एल में दिखा दोगे। अच्छा, हेड लीज में आप हेड लीज, अब क्या कहते हैं, लीज टर्म ऑफ हेड लीज एंड सब लीज आर नॉट सेम, ये तो बात कर चुके हैं पीछे, और अगर सेम हो तो भी क्या करेंगे वो भी बात कर चुके हैं पीछे वाले चार्ट से, है ना। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, इन केस ऑफ सब लीज इज ओएल, ठीक है, अब ये तो बात कर ली ओएल है या एफएल है, ओएल है तो क्या इनकम बुक करोगे, सिंपल सी चीज कह रहा है, और बाकी अकाउंटिंग हेड लीज की ऐसे ही करनी है। देखो ये सब लीज की बात कर रहा है, कह रहा है अगर सब लीज को ओएल माने तो आप सारा का सारा जो भी आपको मिल रहा है लीज रेंट उसको आप इनकम में दिखाओगे। इसमें बताने की क्या बात है, ओएल में करते ही यही हमने पीछे से देखा था, देखो लास्ट वाली क्लास में हमने यहां पर दिखा देता हूं आपको, ऑपरेटिंग लीज हो तो क्या ट्रीटमेंट रहती है, इनकम में दिखा देते हो आप, है ना, पी एंड एल में इनकम में दिखा देते हो। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है, कह रहा है बाकी की अकाउंटिंग जो हेड लीज की है वो तो जैसी है वैसी रहेगी, हाँ वो तो इसमें बताने की बात कह दी। इन केस ऑफ सब लीज इज एफएल, एफएल मानते हो तो आप क्या करोगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको राउ एसेट पे सारा वो आ जाता है कि आपको उसको डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो एंट्री आप क्या करोगे, लीज रिसीवेबल डेबिट टू राउ एसेट, रेस्ट अकाउंटिंग विल बी एज इट इज, जैसे आप करते आए हो। ठीक है, तो राउ एसेट को आपको यहाँ पर बाय में लिख देना है आपको, क्योंकि देखो जब आप वहाँ पर भी आप स्टेप टू में, याद है आपको स्टेप वन में तो रेवेन्यू बुक करते थे और स्टेप टू में आप लिखते थे कि भाई जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट टू एसेट, तो टू वाला यहाँ पर दिखा रखा है, तो एक वाली एंट्री बना रखी है कि लीज रिसीवेबल आ गया राउ एसेट चला गया, है ना, तो ये वाली एक एंट्री है जो आपको याद रखनी है, ऐसे करना होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आप ना आप लेसी हो तो लेसी आपने ये वाली एंट्री करते हो आप राउ टू एलएल, है ना, अगर आप लेसी और इंटरेस्ट बुक करते हो, इंटरेस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपकी, है ना, फाइनेंशियल कॉस्ट कह लो इसको, इंटरेस्ट टू एलएल और एलएल टू बैंक ये वाली एंट्री करते थे आप, अगर आप लेसी हो भाई लीज लाइबिलिटी जो आप वो पे भी कर देते थे, है ना, अगर और अब आप बन गए आप लेसर, अब लेसर बन गए ना आप अगर आप, तो क्या करोगे, तो अब आप बन चुके हो लेसर, है ना, लेसर है तो आपको देखना पड़ता था कि आप ओएल लगाओगे या एफएल, है ना, अब यहाँ पर इन्होंने एफएल मान के करा हुआ है, एफएल क्यों मान के करा हुआ है, मान लेते हैं इसका सेम होगा हेड लीज और सब लीज जो है उसका लीज टर्म सेम होगा तभी इसने यहाँ पर एफएल माना हुआ है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के जरिए समझा रखे। तो क्या करोगे आप, जो यहाँ पर आपने देखो राउ एसेट बुक कर रखी थी इतने की, तो ये राउ एसेट तो आपका यहाँ पर डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी हमने समझा था भाई अगर आप एफएल मानते हो तो एफएल का तो है ही यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट टू एसेट लिखते थे ना, तो टू एसेट की जगह आपको यहाँ पर वाला राउ एसेट जो आपको डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और पहली एंट्री में रिवेन्यू बुक कर देते तो लीज रिसीवेबल आता था। यहाँ पर डिफरेंस क्यों आ रहा है, देखो लीज रिसीवेबल है 370170, ये इसलिए क्योंकि अब आपने किसी नए बंदे को, आप लेसर हो ना, आप लेसर ने आपने सब लीज करा क्यों है, फायदा होगा आपको तभी तो सब लीज कर रहे हो, तो यहाँ पर 345 की चीज आपने 370 में लीज कर दी तो आपको 25,000 का लगभग फायदा ही तो हुआ, तो आपने किसी बंदे को वाली एसेट दे दी जिससे आपको कितने रुपये मिलेंगे, 370170 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और एसेट जो आपकी चली जाएगी 345311 में, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका गेन है। ठीक है, यही चीज़ आपने मैं दिखाऊँ आपको, अगर फाइनेंशियल लीज होती है तो आप क्या करते हो, दोबारा से दिखाता हूँ, पिछली क्लास में किया था, रिकॉर्ड रिवेन्यू लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू वाली चीज़ लिखते हो, उसके बाद लिखते हो लीज रिसीवेबल डेबिट जो भी आपका अनगरेंटेड होता है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल टू एसेट ये वाली एंट्री करते हो आप। अब यहाँ पर वाली एंट्री की बजाय आपको क्या करना है, लीज रिसीवेबल डेबिट टू एसेट, एसेट में क्या लिखोगे, एसेट में वो राउ एसेट आ जाएगा। ठीक है, बाकी की जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही रहेगी, आप यहाँ पर लीज रिसीवेबल फाइनेंशियल इनकम जो जैसे करते थे वैसा ही करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लीज रिसीवेबल 370 था, 2 राउ लिख दिया आपने, ऊपर से आ गया नीचे। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो ना ट्रीटमेंट कैसे रह रहा है इसका, और लीज रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंशियल इनकम, क्योंकि अब आप लेसर हो तो इनकम बुक करोगे, और बैंक डेबिट टू एलआर, एलआर क्यों है, क्योंकि लीज रिसीवेबल पैसा मिल गया ना आपको, और ऊपर कैसे था आपका इंटरेस्ट टू एलएल, एलएल टू बैंक, ये सब ऊपर एंट्रियां करनी थी आपको। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखवा रखी थी कि भाई अगर आप सब लीज आप एफएल है, है ना, तो एफएल क्या करोगे, लीज रिसीवेबल डेबिट टू राउ एसेट लिख दोगे, और रेस्ट अकाउंटिंग विल कंटिन्यू एज इट इज़, वो रेस्ट वाली अकाउंटिंग आपको दिखा दिए कि कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन के जरिए और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना भी समझ आपको आई होप आ गया होगा। इसके बाद ना फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंडिया 116 आता है,
इसका कॉन्सेप्ट है पूरा कि कैसे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है। इसको एक काम करेंगे, इसको ना नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन से पहले इसको आपको समझा दूंगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपको बढ़िया आसानी से समझ आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, अभी एक और कॉन्सेप्ट बचता है, ये सब लीज करा हमने, अब आता है सेल एंड लीज बैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ना मैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूंगा ताकि आपको एक थोड़ा ब्रेक भी मिल जाए। ठीक है, तो अभी तक का आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको छोटा सा ही है, 10 मिनट में हो जाएगा, बट इसको हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।